एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए की जगह हम ए स्क्वायर पुट करेंगे ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर पुट करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन राइट हैंड साइड ए स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर और इस स्क्वायर को हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस बी की जगह लिखेंगे बी स्क्वायर और इस स्क्वायर को हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाई ए की जगह ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की जगह बी स्क्वायर दो दो पावर हों बेस एक ही हो तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में से मल्टीप्लाई हटा देंगे ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इन दोनों को हम अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर और 2x माइनस 5 होल स्क्वायर को फिर इन दोनों के आंसर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए की जगह 2x और बी की जगह 5 पुट करेंगे ए की जगह 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 2x बी की जगह 5 इस पावर 2 को दोनों पर लगा देंगे 5 स्क्वायर 25 2 टू जो 4 4 5 जो 20x 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x 2x माइनस 5 होल स्क्वायर इसकी जगह हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए की जगह हम 2x पुट करेंगे माइनस बी माइनस 5 के इक्वल है माइनस से माइनस कैंसिल बी इज इक्वल टू 5 इन दोनों वैल्यूज़ को हम राइट हैंड में पुट करेंगे ए स्क्वायर ए की जगह 2x ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी ए की जगह 2x बी की जगह 5 2x होल स्क्वायर इस पावर 2 को दोनों पर लगा देंगे 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 2 टू जो 4 4 5 जो 20x अब हम ये जो हमारी स्टेटमेंट है 2x प्लस 5 होल स्क्वायर की जगह लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस के बाद अब 2x माइनस 5 होल स्क्वायर की ये वैल्यू है इसको हम बिग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस के बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं तो इन तीनों के बाद में साइन चेंज होंगे जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये तीनों एज इट इज़ लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर माइनस है तीनों के साइन चेंज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 और प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल इच अदर प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल इच अदर 20x एंड 20x 40x सेवंथ पार्ट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर तो इसको ओपन करने में फार्मूला लगेगा a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ए की जगह हम पुट करेंगे एम स्क्वायर और माइनस बी इक्वल टू है माइनस एन स्क्वायर एम माइनस से माइनस कैंसिल तो बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम पुट करेंगे राइट हैंड में ए स्क्वायर ए की जगह एम स्क्वायर और इस स्क्वायर को ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर बी की जगह एन स्क्वायर एम और ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई ए की जगह एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की जगह एन स्क्वायर एम और प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर को तो लिखना ही है एम रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 2 एम रेस टू द पावर 4 हो जाएगा अब ये जो पावर 2 है वो एन स्क्वायर पर भी लगाएंगे एम पर भी लगाएंगे तो एन रेस टू द पावर 4 हो जाएगी और एम रेस टू द पावर 2 माइनस 2 एम क्यूब को हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे ये एम स्क्वायर है एम स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड करेंगे एम क्यूब और एन स्क्वायर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर एक ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों लाइक टर्म है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये जो दोनों बच गए वो हमारा आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे आज हम क्लियर कॉपी में सॉल्व करेंगे थैंक यू